हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुबह जल्दी उठ गई थी और घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और अभी कर रही थी मैं नाश्ता। और बस आज किचन में बहुत सारा मुझे काम करना है, तो पहले मैंने नाश्ता कर लिया, फिर काम के चक्कर में नाश्ता मेरा रह जाता है। तो पहले सुबह मैं नाश्ता कर लिया और आज बनाने थे मुझे घेवर। तो फ्रीज में से सारा जो भी कुछ चाहिए था वो सारा सामान मैंने एक ही बार निकाल दिया है, और पहले मैं सारी तैयारी कर दूंगी, उसके बाद घेवर बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मैदा निकाल दिया है, बेसन चाहिए था वो भी मैंने निकाल दिया है, और बर्फ मैंने जमाई थी वो भी मैंने निकाला है, और घी अभी गरम कर रही हूँ। तो जब भी घेवर बनाते हैं तो घी को पहले अच्छे से गरम करते हैं, फिर थोड़ा कूल डाउन करते हैं, उसके बाद घेवर बनाना स्टार्ट करूंगी। तो एक बड़े बाउल में मैंने ऐसे घी ले लिया है, और जो मैंने बर्फ जमाई थी तो बहुत बड़े कटोरे में मैंने बर्फ जमाई थी, तो उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा तोड़ के एक पीस ले लिया है, और ये घी में अच्छे से आपको मसलना है। यानी ये घी है पूरा वाइट वाइट, एकदम फ्लफी हो जाएगा, एकदम ऐसे मक्खन जैसा हो जाएगा, एकदम स्मूथ बन जाएगा। तो इतना आपको उसको अच्छे से बस फेंटना है। तो घेवर बनाने के लिए कोई इतना लॉजिक नहीं है, कोई इतना माप वगैरह नहीं है, बस यही सब जो है फेंटने की जो तरीका है, एक ही पोर्शन में आपको फेंटना है, बस यही सब मायने लगता है। तो आपका बैटर एकदम स्मूथ होगा, एकदम फ्लफी होगा, तो आपके घेवर अपने आप ही अच्छे बनेंगे। तो बस इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, तो बस आप देख सकते हो मेरा बैटर है एकदम फ्लफी बन गया, एकदम स्मूथ बन गया है मेरा ये फेंट के। तो बस इसी टाइम आप उसके अंदर मैदा ऐड कर सकते हो। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है, और थोड़ा सा मैंने 1 स्पून जितना चने का आटा लिया है, और उसको भी आपको अच्छे से सब कुछ मिलाना है। और जो कप से आपने मैदा लिया था बस उसी 2 कप आपको पानी इसके अंदर लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और अच्छे से फेंटते जाइए, मिलाते जाइए, बिल्कुल भी इसके अंदर कड़ियाँ भी नहीं रहनी चाहिए। और होने के बाद मैंने एक बार उसको छान लिया है, और बहुत ही अच्छे से मेरा बैटर बन के रेडी हो गया था। तो ये सारी प्रोसेस आप चाहो तो आप मिक्सी में या ब्लेंडर से कर सकते हो, पर हाथ से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है, और एक फ्लफीनेस होती है, एकदम स्ट्रक्चर होता है। तो बस मैं हाथ से बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और श्योर करिए कि जब तक बैटर आपके पास हो तो बिल्कुल ठंडा रहे, तो इसके लिए मैंने उसको बर्फ में रखा था और मैंने घेवर बनाना चालू कर दिया है। तो मेरा तेल में बना रही हूँ, तो तेल बहुत गर्म हो गया था, और आप देख सकते हो बस धीरे धीरे ऐसे मैं डाल रही हूँ, और मेरा घेवर बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहला वाला घेवर एकदम प्रॉपर नहीं बना था, यानी वैसे घेवर तो बन गया था पर थोड़ा पतला बना था, क्योंकि थोड़ा अंदाज़ा नहीं आता है पहले पहले में। तो पहला घेवर तो आपका थोड़ा तो बगड़ेगा ही, और उसके बाद दूसरा घेवर अच्छे ही बनते हैं। तो बस बेलन से ऐसे बीच में आपको गैप करनी है, और थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते रहना है, और नाइफ की मदद से ऐसे साइड भी आपको निकालते रहना है, क्योंकि ज़्यादा झल ना जाए। तो बहुत ही अच्छे से घेवर बन के रेडी हो जाते हैं। तो मेरा बस अभी यही सारे घेवर परफेक्ट बनेंगे। तो पहला घेवर होता है वो थोड़ा ऐसा ही बनता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सारे घेवर आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे, और आपको माप का भी अंदाज़ा आ जाएगा। आप देख सकते हो दूसरा वाला घेवर एकदम परफेक्ट बन के बाहर निकला है। तो मेरे घेवर बनके रेडी हो गए हैं, और इसके ऊपर आप चाशनी ऐड कर सकते हो। यानी कोई कोई तो ऐसा करता है कि डायरेक्ट सीधे चाशनी में डुबा भी देता है, तो आप वैसा भी कर सकते हो, पर मैंने ऊपर से चाशनी लगाई है, और इसके ऊपर लगा रही हूँ रबड़ी। तो रबड़ी मैंने रात को ही बना के रख दी थी, क्योंकि रबड़ी जितनी ठंडी होती है उतनी वो गाढ़ी बन जाती है, तो ज़्यादा और मज़ा आता है और टेस्टी लगता है।
तो बस रबड़ी मैंने कैसे बनाई है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि रबड़ी इस बार बहुत अच्छी बनी थी। आप देख सकते हो एकदम डार्क थी और ये घेवर के साथ परफेक्ट थी। तो बस दोनों घेवर पे मैंने ऐसे रबड़ी लगा दी है और एक के ऊपर एक मैंने घेवर रख दिया है। बहुत ही अच्छा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने पहले भी ऐसे ही भी 3 लेयर्स घेयर बनाया था और काफ़ी खूबसूरत लगता था। बस ये घेयर मेरा रेडी हो गया है और उसके ऊपर मैं थोड़ा पिस्ता की कतरन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद बना रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो मैंने थोड़ा घी ले लिया है, उसके अंदर मैं बादाम ऐड करूँगी और अच्छे से उसको आपको थोड़ा रोस्ट करना है। ब्लैक नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, बस हल्का सा आपको रोस्ट करना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर काजू भी ऐड किए थे, तो आपको वो भी बस हल्के से आपको रोस्ट करना है। ठंडा होने के बाद इसके अंदर मैंने 2 अंजीर मिला लिए थे, तो ऐसे तोड़ के आपको अंजीर मिलाने हैं ताकि मिक्सी में अच्छे से पीसे। और ये जो डेट्स होती है उसके अंदर से मैंने जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं और वो भी ऐड करना है। तो इतने डेट्स आपको ऐड करने हैं कि आपको अच्छे से बाइंडिंग मिले। तो बस मैंने सोचा 5-6 में हो जाएगा, तो बस मैं इतना डाल के मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो अच्छी सी बाइंडिंग हो रही है। तो बस आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, इसके अंदर बिल्कुल भी ना हमें घी मिलाना है कि ना ही हमें इसके अंदर गुड़ या कुछ भी अंदर मिलाना है। बस ये डेट से ही हम पूरा ये लड्डू बनाएंगे ताकि बहुत हेल्दी बने। तो आप देख सकते हो मैंने लड्डू जैसा बनाया और बीच बीच में से थोड़ा सा आपको ऐसे गड्ढा जैसा बनाना है और अच्छे से आपको शेप देना है। तो शेप देना बहुत ज़रूरी है ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो ये जो गड्ढा मैंने बनाया है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो बना सकते हो, वरना आप ऐसे ही सिंपल से लड्डू बना सकते हो। पर फेस्टिवल था तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ अच्छे से बनाए। और ले लिए मैंने डेरी मिल्क, तो गर्म पानी में थोड़ी देर मैंने उसको रख दिया तो पिघल गई है। थोड़ा सा आगे मैंने होल किया और ये सारे जो मैंने लड्डू बनाए थे इसके अंदर मैं भी ये होल में डेरी मिल्क फिल करूंगी, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स और ये साथ में डेरी मिल्क बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अभी तक ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, रक्षाबंधन में ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। अपने भाई को ये रक्षाबंधन में कुछ ऐसा हेल्दी खिलाइए और बस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। तो मेरे ये चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स बॉल बनके रेडी है और मैंने उसको फ्रीज में 5 मिनट के लिए सेट करने रख दिया था। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गए हैं और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी बना रही हूँ मैं मगज़ के लड्डू। तो वैसे तो आपको ये मगज़ का जो आटा होता है वो रेगुलर बेसिस पे मिल ही जाता है, पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो मक्की दाल होती है फोतरे बिगर की आपको दाल लेनी है और उसको अच्छे से रोस्ट करके आपको मिक्सी में पीस लेना है। तो बस ऐसा आटा आपका रेडी हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से घी में रोस्ट करना है, थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा इतना आपको रोस्ट करना है। तो वैसे तो मगज़ के लड्डू एक ट्रेडिशनल वे से अलग से बनते हैं, यानी उसका जो तरीका होता है वो अलग से होता है। तो कभी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे वीक में लगभग 1 से 2 बार बनाना ही पड़ता है लड्डू। थोड़े थोड़े बना के रखती हूँ ताकि कान्हा जी को मैं अच्छे से भोग लगा पाऊँ। तो मेरा घी में ये आटा अच्छे से रोस्ट हो गया, आप देख सकते हो थोड़ा सा सुनहरा हो गया है और थोड़ा सा घी भी अलग पड़ रहा है। तो बस आपको इसी स्टेज में थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है, हल्का सा पानी आपको छिटना है और बस ये बनके रेडी हो गया है। तो अलग से बाउल में मैंने निकाल दिया है और ठंडा होने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिलाएंगे और अच्छे से लड्डू बनाएंगे। तो वैसे तो इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ता नहीं है, पर अगर आप चाहते हो तो आप अंदर ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छे खाने में अच्छा टेस्ट भी आता है। तो सारा कुछ बन के रेडी कर लिया था तो मैं सोचा अभी मैं उसको अच्छे से बाउल में या कंटेनर में अच्छे से पैक करके रख दूँ।
फाइनली सारा कुछ भी बन गया है और अभी सबको मैं पैक भी करके रखूँगी एयरटाइट डब्बे में ऐसे। और तो मेरे पास ऐसे कांच के बाउल है, उसके साथ मुझे लीड्स भी है और ये एयरटाइट है बिल्कुल। तो सारी मिठाइयाँ वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ, बहुत अच्छी फ्रेश रहती है। सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी मिठाइयाँ मैंने बनाई है कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और घेवर मैंने ये दूसरी बार ट्राई किए हैं, बहुत ही अच्छे फिलहाल बने हैं। पहली बार मैंने बनाए थे तो इतने अच्छे नहीं बने थे, इतने पतले पतले बने थे, मैं को बताया था, और अभी ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो धीरे धीरे होता है, सबको धीरे धीरे सीखते हैं, एकदम से कुछ आता नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो मैं इतना बहुत सोचती नहीं हूँ कि भी ख़राब हो गया अभी फ़िलहाल नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ट्राई करती रहती हूँ, कभी तो अच्छा बन ही जाएगा। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ये बार घेवर थोड़े अच्छे बने थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।